नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त MC स्क्वायर इक्वल टू ही अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम अपनी ई आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मोबाइल फ़ोन से। इसके लिए दोस्तों, हमारी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से ही वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले ब्राउजर पर जाना होगा। यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे। आप किसी भी ब्राउजर पर ये एक्सेस कर सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो आप किसी भी ब्राउजर पर आप जाइए, आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फायरफॉक्स हो, आप किसी भी ब्राउजर पर आप जाकर सिर्फ आधार की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है दोस्तों। सर्च बार में दोस्तों आपको सिंपली आधार कार्ड डाउनलोड लिख देना है और उस पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए, पहले वाला ऑप्शन आ जाएगी लिंक, यानी पहले वाला लिंक आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की। वहीं पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों उसकी एक इंटरफेस आ जाएगी, उसकी होम पेज आ जाएगी। इस तरह आपको इंटरफेस दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार लिखा हुआ है। गेट आधार सेक्शन पर देखिए डाउनलोड आधार ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन, यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन डाउनलोड आधार लिखा हुआ है। वहीं पर क्लिक करना होगा। वहीं क्लिक करने का दोस्तों आपको एक इंटरफेस दिखाई देगी कुछ इस तरह का। यहीं पर देखिए दोस्तों, आप 3 तरीके से आधार कार्ड आपकी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आधार नंबर, उसके बाद एनरोलमेंट ID और उसके बाद है वर्चुअल ID, यानी VID। दोस्तों हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर से हम डाउनलोड करेंगे। हम हमारे आधार कार्ड नंबर याद है दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर सिंपली टाइप कर देना है। आपकी जो आधार कार्ड की नंबर है सिंपली टाइप करना है आपको। उसके बाद दोस्तों कैप्चा वेरिफिकेशन कार्ड डाल देना है। देखिए नीचे में है कैप्चा वेरिफिकेशन कोड, उसको सिंपली आपको सबमिट कर देना है कैप्चा कोड को। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है दोस्तों। हम कैप्चा कोड डाल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको OTP आपकी मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हुआ है दोस्तों। उसके बाद आपको एक क्विक सर्वे आपको लेना है। वहां पर लिख रहा है आपको टेक ए क्विक सर्वे कि हमारा OTP आ चुका है। OTP हम आप सिंपली डाल देंगे। दोस्तों OTP डालने के बाद दोस्तों टेक एक क्विक सर्वे लिखा आ रहा है। उसके नीचे दोस्तों 2 क्वेश्चन है। आप वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगी, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन भी होगा। उस ऑप्शन पर आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। 2 क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर टेक एक क्विक सर्वे में 2 क्वेश्चन आ रहा है। आप किसी भी यहाँ पर आंसर पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सिंपली वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पहले हम यस कर दिए। दूसरी नंबर पर हम और एक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको PDF ओपन कर, वहाँ पर दोस्तों PDF एनक्रिप्ट होकर रहता है दोस्तों, वो आधार कार्ड PDF। उसको एक्सेस करने के लिए दोस्तों आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत है। वो पासवर्ड आपकी नेम की पहला 4 अक्षर वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी ईयर ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म साल, जो आप जिस साल में आप जन्म लिए थे उस साल की एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको PDF ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस PDF को प्रिंट आउट कर सकते हैं। आशा है दोस्तों इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद है दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, उसके साथ दिखाई देने वाला बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते।